नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना सफ़र लामडिंग से शुरू कर रहे हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है लामडिंग स्टेशन का टिकट काउंटर। चलिए अंदर चल के देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसी रेलवे रूट का एक वीडियो। हमारा सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमारी ट्रेन चल पड़ी है सिलचर के लिए, लेकिन हम माईबंग में उतर जाएंगे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन उससे भी खूबसूरत है ये रूट। तो चलिए इस सफ़र का मज़ा लेते हैं। 4, 3, 2, 1। इस रूट में टोटल 21 टनल्स हैं और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टनल नंबर 2। और सबसे लंबा जो टनल है वो है टनल नंबर 10, विच इज़ अराउंड 3.2 किलोमीटर्स लॉन्ग। पर वहाँ तक आज हम जाएंगे नहीं। और ये हम पहुँच गए हैं एक स्टेशन जिसका नाम है मूपा। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बादलों के बीच से होकर जा रहे हैं। और देखिए कितनी ऊंचाई पे जा रही है हमारी ट्रेन। और देखते ही देखते हम माईबंग पहुंच गए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं माईबंग। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। चलिए देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। इस रिवर का नाम है माहूर और इस रिवर को पार करके हमें स्टोन हाउस तक पहुंचना है। इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है ये रेलवे ब्रिज, जिसके साइड में एक फुटपाथ भी है। हम इसी ब्रिज से होकर स्टोन हाउस तक पहुँचेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। और ये स्टोन हाउस जो है वो एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया है। कहा जाता है कि इसको किसी ने एक ही रात के अंदर बनाया था। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, बट द प्लेस इज़ वेरी पीसफुल एंड रिलैक्सिंग। अब यहाँ से चलेंगे हम राजबाड़ी रूइंस देखने। राजबाड़ी जाते समय हमें ये ब्रिज मिला। ये ब्रिज भी माहूर रिवर के ऊपर बना हुआ है, पर एक दूसरी जगह पर। यह है राजबाड़ी। यहाँ पे डिमासा किंगडम की कुछ निशानियाँ हैं। इस शेड के नीचे दो पत्थर रखे गए हैं जिन पे खुदाई करके कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो ट्रांसलेट करके एक बोर्ड में लिखा गया है, जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सिक्सटीन टू एटीन सेंचुरी में माईबंग डिमासा किंगडम का राजधानी हुआ करता था। उस समय की कुछ चीज़ें आज भी मौजूद है इस राजबाड़ी के म्यूज़ियम में।
ये है वो म्यूज़ियम, पर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर क्या है हम देख नहीं पाए, क्योंकि इसकी चाबी जिसके पास है उनसे हम मिल नहीं पाए। और ये है वो बोर्ड जिसके बारे में मैं कह रहा था, उन पत्थरों में क्या लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन इस बोर्ड में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा माइबन ट्रिप, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।